आम आदमी की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। एक तरफ आम आदमी कोरोना से जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दामों ने हाल बेहाल कर दिया है। वहीं राजनेता इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में कहा है कि मोदी सरकार बढ़ी हुई कीमतों को कंट्रोल करे और आम आदमी को राहत दे। वहीं दूसरी तरफ ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि डीजल पेट्रोल के प्राइस इसलिए कम नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार पैसे बचा रही है। उस बचे हुए पैसे से सरकार कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई करना चाहती है। बहरहाल सरकार की बातों से लग रहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइस कम करने के मूड में नहीं दिख रही है। मोदी सरकार के अच्छे दिन की बात आम आदमी को खटक रही है। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। क्या सरकार आम आदमी को भूखा सोने पर मजबूर कर रही है? क्या सरकार आम जनता का सुख चैन छीनना चाहती है?